इन दिनों चुनाव का वक्त है और मैं जगह जगह जाके लोगों से मिल रहा हूँ, पर्चे भी बांटता हूँ। ख़ासतौर से जब मैं समाज के कमज़ोर तबकों में जाता हूँ, जो सड़क सफाई करते हैं, जूते बनाते हैं, पॉलिश करते हैं वगैरह वगैरह, या मैकेनिक का काम करते हैं, इन लोगों से मिलता हूँ तो बड़े खुलेपन से बात करते हैं लोग, और उनका रुझान किसी किस्म की धार्मिक द्वेष, जातीय द्वेष से हट के किसी ऐसी सरकार बने जो इससे ऊपर हो। लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि इनका जो वोट पड़ता है वो पड़ जाता है भाजपा के लिए, और ये मेरे लिए मिस्ट्री की बात रही। थोड़ा सा खुलासा तो उसमें हुआ कि आखिर क्या बात है कि जो इलीट कास्ट से हिंदुस्तान की, जो सत्ता में रही, प्रिविलेज्ड रही, उन्हीं के हित को रिप्रेजेंट करती है बीजेपी या सांप्रदायिक जितनी भी पार्टियां हैं देश की वो, लेकिन वोट उस तबके का इनको पड़ जाता है जो उत्पीड़ित रहे हैं। और ख़ासतौर से जब मैं शिक्षण संस्थाओं में, कॉलेजों में, आईआईटी जैसी जगहों पे लोगों को देखता हूँ, ज़्यादातर बच्चे तो एक्सप्लिसिटली एग्रेसिव नहीं हैं जाति के सवाल पर, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एसर्ट करते हैं और दूसरों को जलील करते हैं कि तेरी जात तो छोटी है। इस तरीके का वातावरण है, और जो ह्यूमिलिएट महसूस करते हैं बच्चे अपने मॉडेस्ट बैकग्राउंड की वजह से, तो मैं कई बार सोचता हूँ क्या इनका बिल्कुल प्रभाव नहीं है अपने समाज के ऊपर कि अपने लोगों को एक्सप्रेस कर सकें कि आपको इस पार्टी के साथ नहीं जाना है जो सिर्फ इलीट के ही इंटरेस्ट को सर्व करती है। तो ये मिस्ट्री है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, इनकी जो असली पीड़ा है उसको जो एक्सप्रेस कर सके पॉलिटिकल फॉर्मेशंस या राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन, वो इनके वोटों के द्वारा वो मजबूत बने। अभी एक चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, नगीना का चुनाव, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए। चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ का हर कमज़ोर तबके का आदमी, जो वहाँ मैं तो गया नहीं वहाँ पे, लेकिन जो लोग आए, मुसलमान आए, वहाँ के दलित समाज के लोग आए और दूसरी जातियों के लोग आए, बाई एंड लार्ज उसको अच्छा सपोर्ट है एक्रॉस द कास्ट, एक्रॉस द रिलीजन। लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा बना रहा कि उसी जगह दलित समाज के ही जो थोड़ा सा जागरूक या संपन्न लोग हैं उसको, उसका विरोध कर रहे हैं। वो एक इंडिविजुअल बात हो सकती है कि चलो भाई उनको किसी को उससे पसंद नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन समाज में जाति है मौजूद, और इलीस्ट कास्ट जो सांप्रदायिक भी हैं वो जाति की इस वर्ग भेद को, जाति भेद को मजबूत ही कर रही हैं। अगर आप ओवर द ईयर्स देखें तो भले ही उनके लिए टीका लगाने का, कलाबा पहनने का आपने एक मौका दे दिया या उनके लिए अपने अलग छोटे मंदिर बनवा दिए, लेकिन इलीट कास्ट में जो सांप्रदायिक है रुझान में, उनमें जाति की घृणा भी है, और ये दोनों घृणाएँ भले ही फ्रंट पे आपने वोट डालने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए हिंदू मुस्लिम घृणा को कर रखा है, लेकिन जाति की घृणा उतनी ही गंभीर है, एंड इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल डायनामिक्स। समाज के में लोगों का जो व्यवहार होता है उसको प्रभावित करती है, हर जगह इसका ये दुर्भावना मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दुर्भावना भी मिटे और देश में ऐसी राजनीति आए जो हर किस्म की घृणा से आज़ाद हो, और इस प्रकार की जो छुपी घृणाएँ समाज में, यानी सरफेस पे दिखाई नहीं देती है लेकिन समाज में फैली है, लड़कियों के प्रति दुर्भावना, जाति के आधार पर दुर्भावना, क्षेत्रीय या भाषा के आधार पर दुर्भावना, इन दुर्भावनाओं पर ये भी नफरत ही है और ये नुकसान करती है, ये इंसान को इंसान का मर्तबा जीने नहीं देती, उस पर काबू पाने की ज़रूरत है।